अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू JSK डिज़ाइन स्टूडियो। मैं हूं आपका टीचर जानशेर खान। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube में JSK डिज़ाइन स्टूडियो को सर्च कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। सो आफ्टर इफेक्ट की आज दूसरी क्लास है और आज की क्लास में हम सीखेंगे पाथ एनिमेशन। ठीक है, पोजिशन पर हम किस तरह एनिमेशन कर सकते हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने पिछली क्लास में बताया था, हमें जब भी स्टार्ट करना होगा न्यू प्रोजेक्ट लेना होगा। न्यू प्रोजेक्ट लेने के बाद हम कंपोजिशन बनाएंगे। कंपोजिशन में यहाँ अपनी फाइल का नाम सेव करेंगे। ठीक है, कंपोजिशन नेम या फाइल नेम आफ्टर इफेक्ट्स क्लास टू। ठीक है, उसके बाद यहाँ वेट या हाइट जो साइज़ होगा हमारा वो लेंगे, रेजोल्यूशन सेट करेंगे। हम यहाँ से टाइम ड्यूरेशन इसकी आज 10 सेकेंड्स कर देते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड हम ब्लैक ही रखते हैं या हम चेंज कर लेते हैं, आज बैकग्राउंड थोड़ा सा डिफरेंट कर लेते हैं, ग्रे कर लेते हैं। ठीक है, ये अब हमारी कंपोजिशन बन चुकी है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आज हम कुछ नया ट्राई करेंगे। हमने पिछली क्लास में एक कार को मूव करते हुए दिखाया था। ठीक है, और आज भी हम पोजीशन पे ही काम करेंगे। पोजीशन के साथ फिर इसी तरह स्टेप बाय स्टेप हम रोटेशन, ओपेसिटी वगैरह सब कुछ साथ लेके चलेंगे। ठीक है, हमारी कंपोजिशन अभी तक नहीं बनी है, बन चुकी है कंपोजिशन। ठीक है, मेरे पास ये इमेज मैं पहले ही बना चुका हूँ। ठीक है, तो मैं ये इमेज अपनी सेव कर लेता हूँ। मेरे पास ये इमेज है, इसे मैं आफ्टर इफेक्ट में ड्रैग करके ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास एक इमेज है। अगर मैं बनाना चाहूँ तो मैं सिंपली यहाँ बना भी सकता हूँ अपना कोई भी साइज लेके। ठीक है, पिक्सल्स में हमें साइज़ चाहिए 90x20x1044। ठीक है, कलर मोड हमारा RGB होगा। अच्छा, हमारा ये साइज अब बन चुका है। हम कोई ट्रैक बनाना चाहें, हम सिंपली यहाँ एक ट्रैक बना लेते हैं। रेक्टेंगल टूल लिया मैंने, यहाँ एक रोड मैंने बना लिया। ठीक है, हम इसे ब्लैक कर देते हैं। ठीक है, ब्लैक करने के बाद हम सीधी एक लाइन ले लेंगे। अगर हम यूँ यहाँ से लेना चाहें तो यहाँ से भी हम इसकी लाइन ले सकते हैं। हमारी लाइन जो थी 1044 थी, 1044 करेंगे, लेकिन हमारे पास डिग्री में शो हो रहा है। ठीक है, तो हम डिग्री नहीं लेंगे, हम यहाँ से डिग्री इसकी ज़ीरो कर देंगे। ठीक है, डिग्री हमने ज़ीरो कर दी, अभी हमारे पास सीधी लाइन आ चुकी है। हम इसका स्ट्रोक बढ़ा देंगे, 1 पॉइंट कर देंगे एंड येलो कर देते हैं फ़िलहाल। ठीक है, ताकि आपको नज़र आए। इसको हम सेंटर अलाइन कर देते हैं। इसको 5 पॉइंट्स कर देते हैं। ठीक है, या बल्कि 4 पॉइंट्स कर देते हैं। इसी तरह हम एक साइज़ यहाँ ले लेते हैं, इन दोनों को ग्रुप कर लेंगे, इन दोनों को सेलेक्ट करके भी हम सेंटर अलाइन कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हमें मज़ीद एक और लाइन चाहिए। हम इस लाइन को लेंगे, यहाँ इसकी सेंटर में एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, इसको हम सेंटर अलाइन कर देंगे। ठीक है, सेंटर अलाइन करने के बाद हमें इसमें डॉटेड चाहिए, तो हम इसमें स्ट्रोक में आएंगे, डैशेस यहाँ से ऑन करेंगे और यहाँ से हम इसमें डैशेस बढ़ा देंगे 5 पॉइंट्स की, क्योंकि हमारा साइज़ बड़ा है, तो एटलीस्ट हमें यहाँ 20 या 30 पॉइंट्स रखना होगा। ठीक है, फ़िलहाल हम 20 रख लेते हैं। हाँ, ये बेहतर है। ठीक है, ये हमारा एक ट्रैक बन चुका है, रोड का ट्रैक। इसे ग्रुप कर लेते हैं, बैकग्राउंड एक सेलेक्ट कर लेंगे 90x20x1044। ठीक है, इसको सेंटर अलाइन कर लेंगे। इसमें हम कलर कोई भी फिल कर देते हैं, ग्रे कलर। आउटलाइन स्ट्रोक इसका ऑफ कर देंगे। इसको हम बैक पे ले जाएंगे। बैक पे कैसे लेके जाएंगे? कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट ब्रैकेट। ठीक है, और कंट्रोल शिफ्ट राइट ब्रैकेट से ये फ्रंट पे आ जाएगा। कुछ इस तरीके से हमारे पास एक ट्रैक बन चुका है, लेकिन अगर हम चाहें तो कोई बना बनाया हम ट्रैक भी यहाँ से गूगल से उठा सकते हैं। गूगल से कोई भी आप रोड का ट्रैक ले रहे हैं, अगर आप एंड टूल से ड्रॉ करना चाहें तो आप सिंपली ड्रॉ भी कर सकते हैं। फिलहाल हम ये वाले ट्रैक यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, इस वाले ट्रैक को हम यहाँ मैंने इम्पोर्ट कर दिया है, मैं इसे लेयर्स में ले आता हूँ। ठीक है, लेयर्स में लाने के बाद अभी देखिए इसका साइज़ बहुत बड़ा है। ठीक है, अच्छा, कोई भी
जिस लेयर पे भी हम काम कर रहे हो, ठीक है। अब जैसे मैंने इसमें बताया था, इसमें काफ़ी ऑप्शंस हैं हमारे पास, एंकर पॉइंट है, पोजीशन, स्केल, रोटेशन, ओपेसिटी। हमें इस तरह अलग अलग, अगर हमें एक साथ देखने होंगे तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर हमें इनमें से कुछ और एक चाहिए, हमें फॉर एग्जाम्पल स्केल पर काम करना है, तो हम सिंपली यहाँ अपनी लेयर पर क्लिक करके एस प्रेस कर देंगे तो हमारे पास स्केल आ जाएगा। एंकर पॉइंट पर काम करना होगा, ए प्रेस करेंगे एंकर पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह हमें पोजीशन पर काम करना है तो हम पी दबा देंगे। हमें अगर रोटेशन पे काम करना है, हम आर प्रेस कर देंगे, और अगर हमें इसकी ओपेसिटी कम करनी है तो हम टी प्रेस कर देंगे, ठीक है। ये इसके शॉर्टकट्स हैं, और अगर आपको सब पे काम करना है तो उसके लिए बेहतर ये है, आप यहाँ से फिर ट्रांसफॉर्म ओपन कर लीजिए। अच्छा, दूसरा एक और चीज़ कि अगर लेट सपोज़ हमें किसी दो ऑप्शंस पे काम करना है, स्केल और पोजीशन, अगर मैं पी प्रेस कर रहा हूँ तो पोजीशन आ रही, मैं एस प्रेस करता हूँ तो स्केल आ रहे हैं, तो मुझे दोनों एक साथ चाहिए। तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास स्केल ओपन है, हमें शिफ्ट प्रेस करके पी प्रेस करना है। हम जैसे ही पी प्रेस करेंगे हमारे पास पोजीशन भी आ गया, हमें इसमें रोटेशन भी ऐड करनी है, हम शिफ्ट प्रेस करके आर प्रेस कर देंगे, हमारे पास रोटेशन भी आ चुकी है, ठीक है। इस तरीके से हम दो तीन वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल हमें स्केल पर काम करना है, हम इसका स्केल छोटा कर देते हैं, बहुत बड़ा है क्योंकि ये इमेज बहुत हाई रेंज पर है, तो हम इसे नॉर्मली ले लेते हैं 8% पे। 8% बहुत छोटा हो चुका है तो हम इसे ले लेते हैं 20%। 20% से थोड़ा बड़ा रहते हैं, या यहाँ से वैल्यूज़ को हम ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, अब ये 24% पे आके बिल्कुल स्क्रीन पर फिट हो चुका है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ इस ट्रैक पे एक कार व्हीकल, मतलब कार को, फोर व्हील कार को हम यहाँ से इसमें मूव करवा सकते हैं। वो किस तरीके से, हम चाहें तो किसी पर्सन को भी करवा सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं, बट ये हमारे पास रोड है, ट्रैक है, तो हम इस पर एक कार को मूव करवाते हैं। तो किस तरह करवाएंगे, तो मेरे पास एक कार है यहाँ, मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, कार को मैंने यहाँ इंपोर्ट किया। इंपोर्ट करने के बाद कार को ही मैं नीचे लेयर्स में ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये हमारी कार यहाँ नीचे वाली लेयर पर है, तो हम इसे ऊपर वाली लेयर पे लेके आएंगे, ठीक है, ताकि हमारी कार शो हो जाए। अब ये देखिए कार का साइज़ भी बहुत बड़ा है, तो हम सिंपली कीबोर्ड से एस प्रेस करेंगे और स्केल इसका छोटा कर देंगे। स्केल हम, स्केल की वैल्यू हम कम करते जाएंगे, हमें जितनी चाहिए होगी। अब ये वैल्यू, मतलब ये साइज़ जो है बहुत बड़ा है, क्योंकि यहाँ से ट्रैक बिल्कुल बारीक है और यहाँ पे ट्रैक आता आता बड़ा होता जा रहा है, ठीक है। तो हमें कार की सेटिंग भी ऐसी करनी है कि अब दूर से हम देख रहे हैं तो बिल्कुल गाड़ी बहुत छोटी नज़र आती है, वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही करीब आती जाती है गाड़ी का साइज़ बड़ा होता जाएगा और गाड़ी हमें बड़ी नज़र आती जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए हम यही करेंगे कि हम स्केल में इसका साइज़ छोटा कर देंगे। पहले तो हम स्क्रीन का साइज़ और छोटा कर देते हैं। आप चाहिए तो स्क्रॉल डाउन करिए माउस से, व्हील जो होता है हमारा उसे हम डाउन करेंगे तो हमारा साइज़ छोटा हो जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ से नहीं कर सकते तो यहाँ से भी आप इसका साइज़ चेंज कर सकते हैं। हमारे पास इसमें 33%, हम 33 को सेलेक्ट करते हैं, इतना हो गया, ठीक है। अब मैं इस कार को यहाँ एडजस्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ मैंने इसको एडजस्ट किया और मैं इसके स्केल का साइज़ बल्कि इसे थोड़ा सा नीचे रख लेता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो सके, और इसका साइज़ अब मैं मज़ीद छोटा कर रहा हूँ। 4% मैंने इसका साइज़ किया है, ठीक है। 4% भी थोड़ा सा बड़ा है, हम इसे 3% कर देते हैं, ठीक है। 3% करने के बाद हम इसे यहाँ रख देते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग पोजीशन हमारी जो टाइम लाइन है इस वक्त 0 सेकंड्स पर है, तो हम 0 सेकंड पे इसको रखना चाह रहे हैं बिल्कुल बाहर से, ठीक है। मतलब जो हमारा बैकग्राउंड होगा उससे भी हम बाहर रखेंगे। उसके बाद हम इसकी पोजीशन इसमें ऐड करेंगे। शिफ्ट के साथ मैंने पी प्रेस किया ताकि पोजीशन की वैल्यू भी हमें यहाँ शो हो, ठीक है। पोजीशन पे हम यहाँ इसको चेक लगाएंगे, ठीक है, ताकि पोजीशन का की फ्रेम ऑन हो सके। यहाँ देखिए की फ्रेम ऐड हो चुका है, पोजीशन यहाँ एक्टिव हो चुकी है, आपको यहाँ भी की फ्रेम नज़र आ रहा है, ठीक है। हम कुछ कुछ स्पेसिंग पे इसके की फ्रेम्स ऐड करते जाएंगे, ठीक है। अब हमने 0 सेकंड से 1 सेकंड पर आए और हम इसकी पोजीशन चेंज करके यहाँ ले आते हैं, ठीक है। 1 सेकंड में ये गाड़ी यहाँ तक आएगी, ठीक है। इसके बाद 2 सेकंड्स पे हम इसकी पोजीशन मज़ीद चेंज कर देते हैं। 2 सेकंड्स पे हमारी गाड़ी यहाँ तक आएगी, ठीक है। 3 सेकंड्स पे हम मज़ीद इसकी वैल्यू चेंज कर देंगे,
इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए कि गाड़ी का जो साइज़ है, कार जो है हमारी बहुत छोटी है, ठीक है, उसका साइज़ भी हमें एडजस्ट करना होगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, अब हम आएंगे फोर सेकंड पे, फोर सेकंड पे आने के बाद हम इसकी वैल्यू यहाँ ले आएंगे, ठीक है। और फाइव सेकंड पे आने के बाद हम इस गाड़ी को अपने बैकग्राउंड से बाहर ले जाएंगे, ठीक है, ताकि इसमें ये बिल्कुल क्लियर नज़र आए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ हम इसको अगर दोबारा से अपनी टाइमलाइन को चला के देखें तो कुछ हमारे पास इस तरीके से एनिमेशन बनेगी। अब आप देखें, ये गाड़ी इस तरीके से यहाँ ट्रैक से गुजर के जा चुकी है, ठीक है। लेकिन इसका जो साइज़ है, गाड़ी का साइज़ बहुत छोटा है, ठीक है। और दूसरा ये कि जब स्टार्ट हो रही है, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट पे, तो वो ट्रैक के बाहर से आ रही है, तो हमें इसकी थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी होगी, ठीक है। हम यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे आएंगे, गाड़ी को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको थोड़ा लेफ्ट एरो से हम लेफ्ट साइड पे मूव कर देंगे, ठीक है। अब हम दोबारा से अपनी टाइमलाइन प्ले करेंगे तो ये अब कुछ बेहतर है, ठीक है। हम चाहें तो थोड़ा सा इसको और राइट साइड की तरफ मूव कर लेंगे, ठीक है, इस तरह। अब हम दोबारा से हम प्ले करेंगे तो ये हमारी गाड़ी ऊपर से नीचे की तरफ आ चुकी है, ठीक है। अच्छा, हमने जो टाइमलाइन बनाई है, ये बनाई है 10 सेकंड्स की, ठीक है, और जबकि हमारी जो एनिमेशन है वो 5 सेकंड्स तक है, ठीक है। 5 सेकंड्स के बाद अगर हम अपनी वीडियो प्ले करते हैं, ठीक है, ये 5 सेकंड के बाद चलने के बाद ये ब्लैंक चलती रहेगी, क्योंकि इसमें आगे कोई की फ्रेम ऐड नहीं हुआ। 10 सेकंड कंप्लीट होने के बाद ये जो हमारी वीडियो है दोबारा से रिपीट हो जाएगी, ठीक है। तो अगर हमें अपनी वीडियो को, अपने इस टाइम लाइन को 5 सेकंड पे ही ख़त्म करना है, तो हमें 5 सेकंड पे ला के यहाँ से ये ब्लू आपको पॉइंट नज़र आ रहा होगा, वर एक एरिया जो है हमारा ब्रैकेट नुमा, इसको हम यहाँ से पकड़ के यहाँ ड्रैग करेंगे, ठीक है। लेकिन ड्रैग करते हुए हमें एक मसला आता है कि हमारा बिल्कुल एक्यूरेट पॉइंट पे हम इसको ला के नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। कभी कभार मतलब अनबैलेंस हो जाते हैं या माउस से सही ड्रैग नहीं कर पाते हैं, तो उसमें हमें इशू आएगा। फॉर एग्जांपल, हमने यहाँ की जगह यहाँ कर दिया तो हमारी वीडियो ख़राब हो जाएगी, ठीक है, हमारी जो एनिमेशन है वो ख़राब हो जाएगी। तो मैं इसको अंडू कर रहा हूँ और सिंपली मैं कीबोर्ड से एन प्रेस करूँगा। एन जैसे ही मैंने प्रेस किया तो खुद देखिए, खुद ब खुद हमारा वर्क एरिया सेलेक्ट हो चुका है, ठीक है। अब हम दोबारा से प्ले करेंगे। मैंने जैसे ही प्ले किया, अब आप देखिएगा 5 सेकंड के बाद वीडियो जो हमारी एनिमेशन है दोबारा से रिपीट हो जाएगी, आगे हमारी एनिमेशन शो नहीं हुई, क्योंकि वर्क एरिया जो था वो हमने कम कर दिया। अब हमारा वर्क एरिया सिर्फ 5 सेकंड तक है, ठीक है। तो अब हमें पोजीशन पे काम करना है, ठीक है। पोजीशन पे हम काम कर चुके हैं, अब हमें स्केल पे काम करना है, इसका साइज़ थोड़ा सा एडजस्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसका स्केल ऑन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ इसका स्केल, ठीक है, स्केल की वैल्यू यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे आके हम थोड़ी सी वैल्यू बढ़ा देते हैं, ठीक है, 3% की जगह हम 5% कर देते हैं। 5% बहुत ज़्यादा हो गया, हम 3.8 कर देते हैं, ठीक है। 3.8 भी ज़्यादा है, हम 3.7 कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ आते हुए हम इसको आगे की तरफ ट्रैक करेंगे तो यहाँ देखिए, हम इसकी वैल्यू को 4 पॉइंट कर देंगे, ठीक है, या 4.2 कर देते हैं, ठीक है, इट्स बेटर। उसके बाद हम मज़ीद आगे आएंगे तो हमें इसकी वैल्यू मज़ीद बढ़ानी होगी, ठीक है, हम 4.8 कर देते हैं, या हम इसकी वैल्यू 5% कर देते हैं, ठीक है। 5% करने के बाद हम थोड़ा सा और आगे आएंगे, आगे आते ही हम इसकी वैल्यू मज़ीद बढ़ा देंगे, हम 6.5 कर देते हैं, ठीक है। 6.5 करने के बाद हम यहाँ आके इसकी वैल्यू मज़ीद बढ़ा देंगे, 7.2 कर देते हैं, या 7.8 कर देते हैं, ठीक है। 7.8 करने के बाद हम यहाँ आके इसकी वैल्यू मज़ीद चेंज कर देते हैं, 8.5 कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसकी वैल्यू हम कर देंगे 10%, ठीक है। तो अब हम अपनी एनिमेशन दोबारा से प्ले करते हैं। ये देखिए, अब हमारी गाड़ी का साइज़ भी बड़ा होता हुआ नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। हमारी गाड़ी बिल्कुल आराम से यहाँ से
ट्रैक से होती हुई गुजर रही है, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ कि इस गाड़ी, अब जो हमारी गाड़ी गुजर के जा रही है, ठीक है, तो इसमें आपको स्मूथनेस थोड़ी सी कम नज़र आ रही होगी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसकी मोशन ऑन कर देंगे, ठीक है। मोशन कैसे ऑन करेंगे, यहाँ हमारे पास इशू हो रहा है, ये है मोशन ब्लर, ठीक है, हम इसे ऑन करेंगे। और यहाँ पे भी हमारी जो लेयर है, इस लेयर में हम इस मोशन को ऑन कर देंगे। जैसा ही सिंबल यहाँ पर है, वही सिंबल आपको यहाँ भी नज़र आ रहा होगा, ठीक है, हमने यहाँ भी ऑन कर दिया। अब हम इसे थोड़ा सा प्ले करते हैं। अब ये देखिए मज़ीद थोड़ी सी स्मूथ सी लग रही है हमारी एनिमेशन, ठीक है। तो हम इस तरीके से पोजीशन को सेट कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। छोटी सी एनिमेशन थी, लेकिन मेरे ख्याल से काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। इस तरीके से हम बाकी टूल्स को भी लेके चलेंगे स्टेप बाय स्टेप, इसलिए मैं छोटी क्लासेस बना रहा हूँ ताकि आपको प्रैक्टिस करने में आसानी हो। तो इंशाल्लाह अगली क्लास के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।